हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सूर्य देवता कर्क लग्न के पांचवें भाव में क्या प्रभाव देंगे। मेरी साइड में कर्क लग्न की कुंडली है नंबर 4 लग्न में, सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा हुआ है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 4 यहाँ लिखा है तो आपकी कुंडली कर्क लग्न की है। सूर्य देवता पांचवें भाव में विराजमान है, जहाँ नंबर 8 लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन होता है, मंगल देवता इसके मालिक होते हैं। मैं इस वीडियो में 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। पहले पार्ट पे मैं कुछ ऐसे रिजल्ट्स बताऊंगा जो ना केवल कर्क लगन बल्कि हर लगन के लिए जिसमें भी सूर्य पांचवें भाव में मौजूद है सबके लिए एप्लीकेबल होगा। और साथ में मैं कुछ उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम कर्क लगन का स्पेसिफिक रिजल्ट देखेंगे। सूर्य देवता दूसरे भाव के मालिक होकर जब पांचवें भाव में बैठते हैं तो वो क्या इफेक्ट देंगे, हम वो सारे इफेक्ट देखेंगे। और उसके बाद हम रिजल्ट्स की तरफ, इफेक्ट्स की तरफ और सूक्ष्मता से बढ़ेंगे, जिसमें मैं नक्षत्र लेवल और डिग्री लेवल तक आपको रिजल्ट्स बताऊंगा। और यदि आप नक्षत्र लेवल और डिग्री लेवल देखना नहीं जानते तो उसके लिए अपना बर्थ डिटेल किसी भी फ्री ऐप पर आप फीड करिए, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, और वहाँ आपको आसानी से पता चल जाएगा कि सूर्य देवता आपकी कुंडली में कितनी डिग्री पर बैठे हैं। और जैसे जैसे मैं रिजल्ट्स कवर करूँगा और उपाय बताऊँगा, आप साथ ही साथ उसको मैच कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य देवता पांचवें भाव में जब हो तो उसकी हर कुंडली के लिए क्या प्रभाव आएंगे। ये व्यक्ति अपनी परिवार की उन्नति का मालिक होगा, ये अच्छे असर में। और इस व्यक्ति को गवर्नमेंट से, हाई ऑफिशियल से, पिता से इस व्यक्ति को फायदा होगा, क्योंकि सूर्य देवता गवर्नमेंट को दर्शाते हैं। और सूर्य देवता एक गर्म प्लैनेट है और मंगल देव की राशि में बैठे हैं। जो भी अपने आप में गर्म है और गुस्सा दिखाते हैं, तो यदि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा तो ये इनकी औलाद के लिए या बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों के भाव में बैठे हैं। तो ये अपने आप में एक उपाय हो गया या सावधानी हो गई। दूसरी चीज़, इस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष या दुश्मनी की भावना हो सकती है। और यदि ये भावना इनके अंदर है तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये सब भावनाएं इनके सूर्य देवता को गलत प्रभाव देने के लिए मजबूर कर देंगे। इस कंडीशन में इन व्यक्तियों के लिए दान देना और कल्याण करना सबसे अच्छा उपाय माना गया है। और किचन यदि ईस्ट में है तो वो पोजीशन रसोई घर की पूरब में होना भी इन लोगों को सहायता करती है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं उनको यदि हम देखते हैं तो राहु केतु और शनि जो सूर्य देवता के दुश्मन माने जाते हैं, मगर यही 3 प्लैनेट में से कोई अगर 9वें भाव में या 11वें भाव में आएगा तो वो सूर्य देवता की मदद करेगा। मगर शनि देव जब 3रे भाव में आ जाएंगे तो ये संतान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और बृहस्पति देवता जो सूर्य देवता के मित्र माने जाते हैं, मगर यही बृहस्पति अगर 10वें भाव में मौजूद हैं तो वह इनकी पत्नी के लिए आदमियों की कुंडली में वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकते हैं। चूँकि सूर्य देवता 5वें भाव में बैठे हैं, इस व्यक्ति की ग्रोथ या उन्नति अपनी पहली संतान, पहले बेटे के बाद इनकी उन्नति और तेज़ी से बढ़ जाएगी, चाहे ये अपने बच्चे की कदर करें या ना करें। अब हम सूर्य देवता के कर्क लगन के लिए स्पेसिफिक रिजल्ट्स देखते हैं। सूर्य देवता दूसरे भाव के मालिक हैं, जो धन कुटुंब वाणी का भाव है। अब धन का मतलब ये नहीं है कि धन लाभ होगा, यहाँ धन लाभ, धन हानि, धन की इन्वेस्टमेंट, खर्चा, कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं। और सूर्य देवता 5वें भाव के मालिक हैं, जो हमारी संतान दिखाते हैं, लव अफेयर दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, घूमना फिरना, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। तो अब धन का मालिक इन सब चीज़ों से जुड़ गया तो संतान के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स में, लव अफेयर्स में, घूमने फिरने में, आर्टिस्टिक चीज़ों में, इन चीज़ों में या व्यक्ति ये खर्चा करेगा और या इनसे ये कमाएगा। वो एग्जैक्ट रिजल्ट हमको डिग्री वाइज और नक्षत्र लेवल पर जाने पर हमको पता होंगे। दूसरे भाव जो हमारी
क्लोज फैमिली को दिखाता है, कुटुंब को दिखाता है। यहाँ पर सूर्य देवता की वजह से ये व्यक्ति की वॉइस में एक अथॉरिटी हो सकती है और अथॉरिटी के साथ थोड़ी सी उग्रवाणी होने की वजह से परिवार से कभी कभी अनबन हो सकती है, जिसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। अब हम इनको डिग्री वाइज देखते हैं। यदि सूर्य देवता इसी भाव में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हैं तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। सूर्य देवता इतनी कम डिग्री पर बैठकर चौथे भाव के भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, मगर यहाँ हम केवल पांचवें भाव के इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब सूर्य देवता कुंडली में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में होंगे तो एडिशनल जो इफ़ेक्ट आएंगे यहाँ पर रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस दुर्घटना मुकदमा लोन मिलना नौकरी मिलना सामने वाली पार्टी से पैसा मिलना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना इन सब चीज़ों को ये एक्टिवेट करेंगे। और अगर दशांतर दशा में शुक्र देवता जुड़े होंगे तब इन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा, नौकरी मिलने में फ़ायदा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ़ायदा होगा, लोन अगर अप्लाई किया है उसके मिलने में फ़ायदा होगा, और कहीं कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं तो वहाँ पर यहाँ पर सूर्य देवता व्यक्ति को फ़ायदा देंगे। इसके अलावा सूर्य देवता 0 से 30 डिग्री के बीच में धर्म में रुचि बढ़ाएंगे, व्यक्ति को लंबी यात्राएं देंगे, उसको अपने पिता से फ़ायदा होगा, उसको हायर एजुकेशन में बेनिफिट मिलेगा और वो अपने जॉब में चेंजेस ट्रांसफर्स इत्यादि इस पीरियड में उनके हो सकते हैं। सूर्य देवता के प्रभाव में किसी क्लोज फैमिली रिलेशन का गाड़ी या भूमि खरीदने की बात हो सकती है, उनकी लव अफेयर में प्रॉब्लम हो सकती है या उनका एक सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है। कोई क्लोज फैमिली रिलेशन इस समय अकल्ट स्टडीज जैसे रीकी ज्योतिष तंत्र मंत्र टैरो न्यूमरोलॉजी एंजल कार्ड्स इत्यादि में वो पढ़ सकते हैं। क्लोज फैमिली रिलेशन का व्हीकुलर एक्सीडेंट हो सकता है या इस पीरियड में उनको पैतृक संपत्ति की फायदा हो सकता है। यदि वे फैक्ट्री प्रोडक्शन या इंश्योरेंस इत्यादि कामों से जुड़े हैं तो वहाँ पर उनको लाभ होगा। उनके लव अफेयर में लड़ाई झगड़ा होने का या प्रॉब्लम होने का या ब्रेक होने का भी यहाँ पर चांस होता है। इनकी पहली संतान के लिए इस पीरियड में पहली संतान को धन प्राप्ति हो सकती है। यदि वे बड़े हैं उस उम्र के हैं तो उनको संतान प्राप्ति हो सकती है और लव अफेयर में वो पढ़ सकते हैं। उनके प्रमोशन इत्यादि की बात चल सकती है। इनका पहला बच्चा काफ़ी एम्बिशियस भी होगा। इनके पिता की इस पीरियड में नौकरी कोर्ट केस जॉब लगना लोन मिलना इत्यादि की बातें हो सकती हैं। और यदि अच्छे प्लैनेट दशांतर दशा में जुड़े होंगे तब इस व्यक्ति के पिता को ये सब चीज़ें मिलेंगी और साथ में इनकी जॉब में चेंजेस दे सकते हैं, प्रमोशन ट्रांसफर्स इत्यादि भी दिखाते हैं। पिता की धर्म में रुचि होगी और पिता लंबी यात्राओं पर और धार्मिक यात्राओं पर भी जाएंगे। हायर एजुकेशन में यदि पिता हायर एजुकेशन से जुड़े काम कर रहे हैं या उसकी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर ये उनको बेनिफिट देंगे। 0 से 3 डिग्री के बीच में अगर सूर्य देवता के आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं, जैसे कि पेट में कोई प्रॉब्लम होना, अचानक से वेट बढ़ना या वेट कम होना, तो उस केस में आप थर्सडे को ब्राह्मणों की सेवा करें और पूरी ज़िंदगी ब्राह्मण का गुरु टीचर्स टीचर लाइक फिगर्स इन सब लोगों का सम्मान करें, उनसे अच्छे रिलेशन बनाकर रखें और उनसे आशीर्वाद पाएं, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। सूर्य देवता जब इसी पोजीशन में 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हैं तब सूर्य देवता यहाँ पर आपको शादी दे भी सकते हैं और शादी जिनकी हो चुकी है उनकी शादी में ये अनबन करा सकते हैं। यहाँ पर आपको अकल्ट स्टडीज़ में तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि में आपको ये रुचि देंगे।
आपको कुछ पैतृक संपत्ति का यहाँ पर लाभ हो सकता है, या आपको इंश्योरेंस इत्यादि कामों से फायदा हो सकता है। अगर यहाँ शुक्र देवता की दशा जुड़ी है तो जो भी व्यक्ति किसी आर्टिस्टिक प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, इन सब लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होगा। शेयर मार्केट इत्यादि कामों में जो जुड़े हुए हैं उन लोगों का यहाँ पैसा फंसने का चांस होता है। यहाँ पर व्यक्ति को एक सीक्रेट लव अफेयर भी करवा सकते हैं, और यदि बुध देवता दशांतर दशा में जुड़े होंगे तो इस सीक्रेट लव अफेयर के खुलने का और बदनामी होने का यहाँ पर चांस हो जाता है। सूर्य देवता के प्रभाव में किसी क्लोज फैमिली रिलेशन की इस पीरियड में शादी हो सकती है, या शादी में प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो रोग ऋण शत्रु कोट के दुर्घटना इत्यादि में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर दशांतर दशा में अच्छे प्लैनेट जुड़े होंगे तो इन सब चीज़ों में उनको फ़ायदा होगा। वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे या प्रॉपर्टी और गाड़ियों के बिजनेस में वो हो सकते हैं। पहली संतान के लिए, ये पहली संतान को मेहनती बनाएंगे, उनको छोटी मोटी यात्राएं देंगे, उनको कम्युनिकेशन में, संचार माध्यम में, ईमेल, इंटरनेट इत्यादि में ये काफ़ी एक्टिव कर देंगे। पहली संतान यदि आपकी बड़ी है तो इस पीरियड में वो गाड़ी या भूमि खरीद सकते हैं, बेसिक एजुकेशन के लिए अच्छा है। उनको कहीं से पैतृक प्रॉपर्टी मिलने का भी यहाँ पर चांस हो जाता है। एक प्रमोशन की उनकी बात भी यहाँ पर चल सकती है। सूर्य देवता की सेम पोजीशन में दूसरे बच्चे के लिए इस पीरियड में दूसरे बच्चे को फायदा होगा, मगर परेशानी के बावजूद, यानी कि दूसरे बच्चे के लिए मेहनत करनी आवश्यक होगी ताकि वे धन लाभ कमा सकें। और दूसरी संतान इस पीरियड में वेलफेयर में एक्टिव हो जाएगी, लोगों की भलाई करना चाहेंगे, कोई एनजीओ, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पीरियड में वो नए दोस्त बनाएंगे। उनकी अकल्ट स्टडीज़ में रुचि बढ़ सकती है, ज्योतिषी की, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि में। अगर वो इंश्योरेंस के कामों में या फैक्ट्री प्रोडक्शन में किसी तरह जुड़े हैं तो वहाँ पर भी उनको फायदा होगा। सूर्य देवता के इस प्लेसमेंट में यदि आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं, जैसे परिवार में कलह, शादीशुदा जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, कोई बोन रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बूढ़े आदमी, गरीब आदमी और एक टांग में जिन लोगों की प्रॉब्लम है उनकी आप सेवा करें, खास करके शनिवार को, उससे आपको लाभ होगा। सूर्य देवता जब इसी प्लेसमेंट में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में बैठे हुए हैं, तब इनके एडिशनल प्रभाव में ये आपको छोटी मोटी यात्राएं और कम्युनिकेशन, संचार माध्यम इत्यादि से जुड़े लोगों को ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ पर यदि इस दशांतर दशा के अंदर बृहस्पति देवता जुड़े होंगे तब ये आपको एक विदेश यात्रा यहाँ करवा सकते हैं। इस कंडीशन में जो लोग भी विदेश से जुड़े काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल इत्यादि से, उन सब जगह पर जहाँ पर हम नॉर्मल पब्लिक को मिलते नहीं हैं, अलग बैठकर काम करना पड़ता है, जैसे रिसर्च लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल में या अपने घर से दूर जाकर, इन सब चीज़ों में, जेल में, पागलखाने में, इन सब चीज़ों में, जगहों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट होगा। इनके नेगेटिव प्रभाव में ये आपका लव अफेयर का ब्रेकअप करवा सकते हैं, आपका खर्चा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और अगर इस टाइप के नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं और साथ में एडिशनल जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसमें आपके दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी रात की नींद यहाँ पर ख़राब हो सकती है, आपको नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, अगर इस टाइप के इफेक्ट आ रहे हैं तो आप पौधों को पानी दीजिए बुधवार के दिन, प्रेफरेबली अपनी पूरी ज़िंदगी आप पौधों को पानी दीजिए, वहाँ पर आपको लाभ होगा। सूर्य देवता के बाकी लोगों पे जो प्रभाव पड़ेंगे, आपका कोई क्लोज फैमिली रिलेशन इस पीरियड में धन कमाएंगे,
या वो गाड़ी अथवा प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उनको माता गाड़ी, भूमि, वाहन, बेसिक एजुकेशन, खेती इत्यादि से जुड़े अगर आपकी क्लोज फैमिली में कोई है तो उनको वहाँ पर फायदा होगा, इन सब चीज़ों से धन लाभ होगा। और ये लोग इस पीरियड के अंदर वेलफेयर में रुचि लेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, कोई वेलफेयर सोसाइटी है ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीरियड में नए दोस्त बनाएंगे। मगर आपके छोटे भाई बहन के लिए ये वाला पीरियड एक बार फिर छोटी मोटी यात्राएं और मेहनत करने का पीरियड होगा, प्रमोशन इत्यादि में प्रॉब्लम आ सकती है। मगर अगर दशांतर दशा में अच्छे प्लैनेट होंगे तो ये उनको फॉरेन ट्रिप दे सकते हैं। यदि आपके छोटे भाई या बहन किसी तरह से विदेश से हॉस्पिटल, जेल, असाइलम, रिसर्च लेबोरेटरीज इत्यादि से जुड़े काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको फ़ायदा होगा। यदि आपके छोटे भाई बहन को इश्यूज आ रहे हैं तो खर्चा इत्यादि उनका ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रमोशंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेडिटेशन करने से उनको लाभ होगा। सूर्य देवता की सेम पोजीशन में आपके पहले बच्चे के लिए ये वाला पीरियड परेशानी और मेहनत के बावजूद एंड में प्रॉफिटेबल रहेगा। यहाँ पर इनकी प्रमोशन की बात चल सकती है जिसमें अड़चन आएगी मगर आखिर में उनको मिल जाएगा। आपका पहला बच्चा इस पीरियड में वेलफेयर इत्यादि में रुचि ले गए और वो नए दोस्त बनाएंगे। साथ ही में पहली संतान को इंश्योरेंस के काम में यदि वे जुड़े हुए हैं, किसी फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा। उनको पैतृक संपत्ति यहाँ पर मिल सकती है और अकल्ट स्टडीज़, तंत्र मंत्र इत्यादि में उनकी रुचि यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ओवरऑल जब हम सूर्य देवता के प्रभाव इस कुंडली में देखते हैं, पांचवें भाव में ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे प्रभाव आते हैं, मगर एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में हमें बृहस्पति देवता की पोजीशन ज़रूर देखनी है। अगर बृहस्पति देवता 11वें भाव में होंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में सूर्य देवता शनि देव के नक्षत्र में होंगे और एक बार फिर यहाँ शनि देव अगर 11वें भाव में या अच्छे स्थान पर होंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है। और उसी तरह से 16:40 से लेकर 30 डिग्री के बीच में यदि बुध देवता अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो एक बार फिर हम अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देवता 5वें भाव में है, ना केवल कर्क लग्न के लिए मगर सब लग्नों के लिए, आप लोगों के लिए दान देना, लोगों को कल्याण करना ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।